एक दूजे के वास्ते। अच्छा पता नहीं डमरू भैया से कौन से मार्केट में गए जो उनका फोन नहीं लग रहा। बस भी कर यार, तो ना पापा का फोन लग रहा है ना मैसेज डिलीवर हो रहा है। मौसम खराब की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। मैं ठीक हूँ। ये ठीक है, तू चल उठ उठ। ए डमरू, आप कह रहे भैया टांग को क्या हुआ, क्यों टूट गया है का फर्स्ट एड बॉक्स? अरे कुछ मत ला, ये ले सुमो को दे क्या उसकी दवाई है यार। दीदी को क्या हुआ उनको? अबे खांसी जुकाम बुखार सब हुआ है, तू जाके देखे है। आपकी चोट, तू जाएगा उसे मत भेजिए चाची, मैं श्रवण से दवाई नहीं लूं। ए डमरू रुक, सुन सुमो को ये मत बताना कि मैंने भिजवाई है, ठीक है? पर क्यों? सुमो दीदी को ठीक करना है ना, तो जितना बोल रहा हूं उतना कर, गलती से भी बोलना मत कि मैंने भिजवाई, समझा ना? चल जा। क्या डमरू भैया कितना टाइम लगा दिया, कहाँ रह गए थे और आपका फोन क्यों ऑफ आ रहा है? क्या सुमन इतनी बीमार है और आप? अब सुमन दीदी की दवाई। ये कैसे, दवाई का नाम मैंने आपको तो मैसेज नहीं किया था। दवाई का नाम हमें जानने की जरूरत है, रमेश साहब को थोड़ी, जो दिए हम ले आए। चलो अच्छा है, चल दवाई खा ले। डम्बू भी प्लीज पानी ले आएगी। थैंक यू। तबीयत ज्यादा खराब है क्या सुमन? अरे नहीं नहीं बस थोड़ा सा। 103 degrees। ओह गॉड, मुझे लगा ही था। पहले ही कंचन परेशान घूम रही थी, फिर डमरू को तुम्हारे रूम में दवाई ले जाते देखा, तुम इतनी बीमार कैसे हो गई? अरे तुम लोग चिंता मत करो गाइस, मैंने दवाई ले ली है, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ श्रवण कहीं दिखाई नहीं दे रहा? अरे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है, पर बहुत देर पहले उठ के चला गया, बोला कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अरे इसको किसी की क्या जरूरत है, ये तो एक ताकतवर फौजी है। ये बुखार बुखार से कांपने नहीं वाली, बल्कि बुखार इसके सामने डर कर कांपेगा और फिर एक लाचार दुश्मन की तरह ढेर हो जाए। सॉरी यार सुमन, फीवर के साथ साथ तेरे को इसके अजीब पीजेस भी सहने पड़ रहे हैं। Thank you.
मेरी बुक जरूरत है, ले जाओ। चलो गाइस, आज तो सबके मजे हो गए, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया और पापा अब तक नहीं आए। हाँ अच्छा ना, सब चलते हैं, वैसे भी कल मिलना तो है। ठीक है, लेट्स गो। तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? तुम इतनी बीमार हो, हम सब तुमसे मिलने आए हैं और इसने पूछा तक नहीं। What a loser. Please अनीश, वो क्या है क्या नहीं और हमारे बीच में झगड़ा हुआ है कि नहीं वो हम देख लेंगे। तुम प्लीज बीच में मत बोलो। अब तुम लोग जाओ, मुझे रेस्ट करना है। ओके श्योर, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो यू कैन कॉल मी, मैं तुरंत आ जाऊंगा। थैंक्स। अनीश को तो तूने ठीक सुनाया, पर श्रवण ने भी गलत किया। कम से कम हालचाल तो पूछ लेता। खैर तू आराम कर। बीमार होते हैं तो बताना चाहिए ना सुमन, अगली बार जब भी ऐसा कुछ लगे ना तो पहले ही बता देना। ओके ओके। अभी कैसा लग रहा है? दवाई तो पहले ही खा ली थी, अब आपका यमी सा सूप पी के बहुत बेटर फील हो रहा है। विजय साहब का फोन है। वो मौसम खराब है ना, इसलिए राज चाचा के यहाँ फंस गए। लेकिन तुम्हारी फिक्र होगी तो बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं। तुम सूप पियो, मैं बात करके आती। जी बिना, तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से चले जाना, ऐसे कैसे चलेगा? दूसरों की इजाजत की जरूरत आपको पड़ती है, मुझे नहीं। ये भी घर मेरा है और जहां से आ रही हूँ वो भी, तो मैं जब चाहूं जहां चाहूं आ जा सकती हूँ। क्या पापा, अगर सुमन की दवाई टाइम पे नहीं भेजी होती ना तो मम्मी और गुस्सा हो जाती। टाइम पे तो इसलिए, सुमन की दवाई मैंने भेजी कब? सुमन की मैंने मैसेज भी तो किया था आपको। बेटा तेरे माँ के दिमाग की तरह मेरा फोन का नेटवर्क भी सुबह से उड़ा हुआ है। मौसम खराब होने की वजह से मुझे आज एक भी मैसेज नहीं आया। तो फिर दवाई? तो भाई डमरू लेकर आया होगा। अच्छा अब तुम दोनों खाना खाओ, मैं बीना को मना के आता हूं। बेटा तू अपना ध्यान रखें। जी। खाना खाओ। यानी कि डमरू भैया ने झूठ बोला? डमरू भैया यहाँ आइए। सब्जी गरम कर लाऊं? आप आ रहे हैं या हम आए? आ रहा हूं ना। अब डमरू भैया, चाचू ने तो कहा कि उन्होंने आपके हाथ कोई भी दवाई नहीं भिजवाई, फिर दवाई कहाँ से आई? जरूरी बात यह है सुमन दीदी कि दवा काम की है या नहीं। आपको खा के आराम लगा ना? हाँ। बस उतना काफी है ना? डमरू भैया यहीं पर रहिए, भाग के तो आप कहीं जा नहीं सकते, इसलिए अपना टाइम भी वेस्ट मत कीजिए और हमारा भी। बताइए दवा कहाँ से आई? मैं क्या ही बोलूं, श्रवण भैया ने लाके दी। श्रवण? और डमरू भैया आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि श्रवण ने दवाई दी है? उनने कहा, डमरू अपनी दीदी को ठीक देखना चाहते हो ना तो मेरा नाम मत लेना। मेरी सुनी नहीं रहे थे, लंगड़ाते हाँफते मेरे पास आए। मैंने कहा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आऊं। एक मिनट, हाँफते लंगड़ाते? हमें लगता है दीदी भाग रहे थे और इसीलिए उनके टांग में चोट भी लग गई थी।
एक बात कहें दीदी, हमें पहले लगता था कि बहुत फर्जी हैं श्रवण भैया, लेकिन आज जैसे उन्होंने अपने से ज्यादा आपके बारे में सोचा तो लगा वो फर्जी नहीं है, सच्चे दोस्त हैं। सुमन ये लो दवाई खाओ। सुमन खा ले। सुमन दवाई खाओ। हम कौन सा कह रहे थे कि बीमार को हुआ ही छोड़ दो। अरे पर जरा होश में तो रहियो ना, और अगर इतनी जल्दी थी तो बाइक लेके जाते ना, ये स्पोर्ट्स डे दौड़ के आने की क्या जरूरत थी है? मैं भूल गया तू, जब तक सुमो नहीं कहेगी ना तब तक नो बाइक। मन तो करता है ना कि तुम्हारे सर पे उठाकर मुझे चप्पल ही मार दो ताकि तुम्हें अक्ल ठिकाने पे आ जाए, अब से ना सारी क्लास वलास भूल जाओ, क्योंकि अब से हम ही तुम्हें जान नहीं देंगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि क्या है ना, हमसे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तकलीफ सुकून के आखिरी 10 दिन है शायद। प्लीज साथ दे दे यार। बड़ी देर से यहां बैठे हो ना तो टांगे अकड़ जाएगी, एक काम करो बाहर टहल के आओ हैं, हम तुम्हारे लिए ना हल्दी वाला दूध बना के लाते। चल चल हाथ दे दो, संभाल दे। क्यों श्रवण, जब अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो छोड़ दो ना मुझे अकेला, क्यों मेरे लिए खुद को तकलीफ दे रहे हो? अपने लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ श्रवण। तकलीफ में देखकर दर्द हुआ इस दिल में, पर खुशी है कि तुम्हारे किसी काम तो आ पाया। जो आज हुआ वो फिर कभी ना हो, श्रवण फिर से तकलीफ में ना आए, और ये बचे हुए 9 दिन बस कट जाए।
अनीश प्लीज, क्या आज मैं तुम्हारी सीट पे बैठ सकती हूँ? ऑफ कोर्स यार, एक ही तो बात है। थैंक्स। तबीयत कैसी अब तुम्हारी? मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए मैसेज किया था, तुमने तो रिप्लाई ही नहीं किया। वो एक्चुअली कल से मैंने फोन ही नहीं चेक किया, आई एम सॉरी। इट्स ओके, अच्छा ही हुआ कि रेस्ट कर लिया। वैसे अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना, इतना तो हक समझती होगी ना मुझ पर। श्योर अनीश, थैंक यू। सर यार, मुझे पता ही था सुमन को गलत फहमी हो सकती है, लेकिन इतनी स्टूपिड तो नहीं है वो कि तुझसे दोस्ती रखेगी। बेचारी की आंखें खुली गई। अबे ओ, अगर तुझे अपनी आंखें नहीं पुड़वानी ना तो भाग जाए यहां से। भाग कर जाऊंगा यार, वो देखना मेरी सीट तो सुमन ने ले ली। ये सोच रहा हूं यार कि मेरी ही क्यों, देविका की क्यों नहीं? ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सीट को मैं टच करता, मेरा मतलब जिस सीट पर मैं बैठता हूं वहां बैठना चाहती हो? हाय, सुमन का दिल मुझ पे आ ही गया, बस एक किस मिल जाए ना उससे। मैंने वापस क्या हो रहा है ये सब? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में लड़ाई करने की? मैं यहां रोज तुम्हें अपने देश के लिए लड़ने की सीख देता हूं, और तुम लोग आपस में? ये सिखाया मैंने तुम्हें? बहुत गलत किया है तुम लोगों ने मेरी क्लास में डिसिप्लिन तोड़ के। कोई प्रॉब्लम थी तो आपस में बैठ के बात कर लेते। किसने शुरू किया था? कम ऑन, अभी डरपोक बन के ना मुझे और निराश मत करो, कम से कम सच बोलने की हिम्मत तो रखो। साहब जी, कैंट से जरूरी फोन है आपके लिए। वापिस आने तक मुझे इस बात का जवाब चाहिए सुमन। यस सर। तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत अब तो वैसे भी नहीं सुमो। सुमन, इसके लिए पहले हाथ मैंने उठाया, तुमन? सर, हाथ पहले श्रवण ने उठाया। रियली श्रवण? मुझे तो लगता था कि तुम बहुत सब्र से काम लेने वाले समझदार लड़के हो। क्यों किया ऐसा? सॉरी सर, पर्सनल मैटर है। जो रीजन क्लास में बता नहीं सकते उसे क्लास में लेकर क्यों आते हो? ये अपने पर्सनल झगड़े क्लास से बाहर, ओके? सॉरी सर। इस क्लास में माफी नहीं, सजा मिलती है। टोटल पॉइंट्स में से तुम्हारी टीम के 10 पॉइंट्स कटेंगे। सर, टीम के क्यों? गलती मैंने की है सर, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए सर। ओके, 100 पुशअप्स नाउ। और अगर नहीं कर पाए तो 10 की जगह 30 पॉइंट्स कटेंगे। क्या हुआ, नहीं हो पाएगा? पर इसके तो पैर में पहले ही चोट लगी है। हो पाएगा सर।
अगर श्रवण की गलती की सजा टीम को दी जा रही है तो उस टीम में मैं भी हूँ और इस सजा में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.